हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त निधि, और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की एक बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी जिसका नाम है पनीर दो प्याजा। तो पनीर दो प्याजा बहुत डिफरेंट तरीके से बनते हैं। ये मेरा वर्जन है जैसे मेरे को बनाना पसंद है और बहुत ईजी भी बनता है। तो पनीर दो प्याजा के लिए दो प्याज है, तो दो टाइप के प्याज हम लोगों ने ले लिए हैं, चॉप्ड अनियंस लिए हैं और थोड़े से ऐसे क्यूब में कट करके लिए हैं। साथ में हमने थोड़ी सी जिंजर गार्लिक ली है और ग्रीन चिलीज को ऐसे ही रफली मोटा मोटा चॉप कर लिया है। द मेन चीज जो इसके अंदर है, जो हमने ली है टमाटर की ग्रेवी बनाने के लिए, वो हमने ये रेड कैप्सिकम ली है। इसका इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर एक डिफरेंट कैप्सिकम का भी अच्छा फ्लेवर, बट उसको हम टमाटर के साथ ही प्यूरी कर लेंगे। और साथ में पनीर दो प्याजा है तो पनीर तो चाहिए ही चाहिए, तो पनीर लिया है। मैं इसकी प्यूरी कर लेती हूँ टमाटर और रेड कैप्सिकम की, और मसाले मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। बहुत ज्यादा मसाले भी नहीं डालने हैं, साथ साथ में बताती जाऊंगी। सो लेट मी डू द प्यूरी एंड देन लेट स्टार्ट द प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पैन ले लिया है जिसमें मैं बनाऊंगी हांडी टाइप। इसमें मैं सबसे पहले ऑयल डाला है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। इसके साथ में मैं इसमें मुझे पनीर के अंदर थोड़ा सा ग्राउंड सिनेमन डालना पसंद है, तो सिनेमन का, क्योंकि पनीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इट्स हेल्दी ऑल्सो, तो थोड़ा सा मैं सिनेमन डालूंगी। और उसी के साथ में मैं इसके अंदर हमारे चॉप्ड अनियन डाल दूंगी। अनियन को हमको थोड़ा सा सॉटे करना है, उसके बाद हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे अनियन थोड़े से ट्रांसपेरेंट होने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हम इसके अंदर हमारा चॉप जिंजर गार्लिक डाल देंगे, सॉरी ग्रेटेड जिंजर गार्लिक डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के अनियंस ऑलमोस्ट हो गए हैं और देखिए आप ब्राउन होने भी शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज में हम इसके अंदर हमारा जो हमने टमेटो और पेपर वाला मिक्सचर करा था, प्यूरी करी थी, वो हम डाल देंगे इसमें। अलोंग विद थोड़ी सी टमेटो पेस्ट, आपको पता है मुझे टमेटो पेस्ट बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी टमेटो पेस्ट, गिव इट अ मिक्स। और इसके अंदर मसाले बहुत ही बेसिक मसाले डालने हैं, ज्यादा कुछ मसाले नहीं है, तो नमक एज पर योर टेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। लेट्स गिव इट अ गुड मिक्स। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। पांच मिनट मसाले को ढक के रख देते हैं ताकि अच्छे से ऑयल छोड़ दे, एंड देन विल स्टार्ट द प्रोसेस अगेन। तो फ्रेंड्स, 5-7 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक करते हैं हमारा मसाला। लुक एट दिस, काफी अच्छा हो गया है हमारा मसाला, ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर हमारे जो हमने अनियंस कट करके रखे थे क्यूब्स वाले, थोड़े से वो डाल देंगे, और हमारी ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे, और इसी के साथ हम इसमें हमारा पनीर भी डाल देंगे। इसमें ग्रेवी में हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे, मैं ये 10% यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप हैवी क्रीम भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी डालेंगे, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और हमारा पनीर भी काफी सॉफ्ट हो जाता है, तो ज्यादा नहीं, दिस मच शुड बी एनफ। गिव इट अ मिक्स। देखिए कितना अच्छा हो गया है हमारा पनीर दो प्याजा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। अब इसको 5 मिनट गैस कम कर देते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाए, और फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, चेक करते हैं हमारा है पनीर दो प्याजा। लुक एट दिस, कितना अच्छा हो गया है, पूरा ग्रेवी ने ऑयल भी छोड़ दिया है, दिस इज अमेजिंग, काफी अच्छा लग रहा है। और ट्रस्ट मी, इतनी बिकॉज ऑफ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बिकॉज ऑफ रेड पेपर, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अभी इसको प्लेट करते हैं और फिर आपको फाइनल प्लेटिंग के साथ में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का पनीर दो प्याजा बन के रेडी हो गया है।
एंड एज यू कैन सी बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है ये। कभी आपको डिनर में क्विक बनाना हो या लंच में बनाना हो तो आप इसको क्विकली बना सकते हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई कैसा बना है। पनीर काफी ज्यादा सॉफ्ट हुआ है हमारा। ट्रस्ट मी, इतना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस हुआ है और पेपर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। जैसे बच्चों को पेपर्स और रेड पेपर्स और ग्रीन पेपर्स पसंद नहीं है, सो दिस इज अ वेरी गुड वे उनको पेपर्स खिलाने का, क्योंकि पेपर्स काफी हेल्दी होते हैं। रेड पेपर्स में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, तो डू ट्राई दिस रेसिपी। टोमेटोज के साथ में उसको ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना के डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी, और आप ऐसी कैसी और कौन कौन सी रेसिपीज आप देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू निधिलिशियस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बटन। टिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय।